हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? और ये देखिए, फुल डे लाइट में मैं TSLT20A प्रोजेक्टर से जो है वीडियो प्ले किया है USB से। और ये देखिए, फुल डे लाइट के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके का क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रोजेक्टर का क्वालिटी सुपर है, फुल HD 1080p प्रोजेक्टर है। अप टू 4K 8K वीडियो सपोर्ट करता है प्रोजेक्टर। HDMI से, USB से भी आप 12 GB, 15 GB, 20 GB की मूवी प्ले कर सकते हैं। 2 TB का हार्ड डिस्क डायरेक्ट सपोर्ट कर लेता है प्रोजेक्टर USB से। नेटिव रेजोल्यूशन फुल HD 1080p है। अप टू 4K 8K वीडियो तो सपोर्ट करेगा ही प्रोजेक्टर। बाकी एंड्रॉयड 9 है, 1 GB रैम, 8 GB रोम है। 9200 लूमिनस प्रोजेक्टर है। एनसाई लूमिनस 2800 लूमिनस है। कॉन्ट्रास्ट रेशो जो है 20,000:1 का है। डिजिटल 4D कीस्टोन भी मिल जाएगा आपको प्रोजेक्टर के अंदर। डिजिटल जूम इन भी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली भी आप सेटिंग कर सकते हैं स्क्रीन का। और HDMI ARC भी मिल जाएगा। 5.1 ऑडियो VLC प्लेयर इसमें ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और 5.1 मूवी प्ले करते हैं तो आपका जो है ARC के थ्रू आप मूवी इंजॉय भी कर सकते हैं प्रोजेक्टर में। 5.1 ओरिजिनल जो चैनल मूवी आता है, 5.1 सराउंड साउंड, डॉल्बी एटमॉस वगैरह जो आजकल आ रहा है। एनाग्लव 3D है प्रोजेक्टर। 10 वाट का एक स्पीकर भी लगा हुआ प्रोजेक्टर के अंदर, जिसकी वॉइस बिल्कुल इनफ है। मैंने वॉइस जो है कम कर रखी, मैं आपको सुना देता हूँ एक बार वॉइस। देखिए, हाफ वॉइस में भी बहुत सुनाई देता है। और क्या चाहिए दोस्तों, देखिए इतनी तेज़ आवाज़ है। मेरा 26x16 का हॉल है और आप देखिए प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर छोटे में छोटा 50 इंच, बड़े में बड़ा 600 इंच तक का स्क्रीन साइज बना देगा। पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है प्रोजेक्टर का। और प्रोजेक्टर का प्राइस 25,500 रुपये है। 1 साल की वारंटी के साथ प्रोजेक्टर मिलेगा। बाकी प्रोजेक्टर परचेज़ करने के लिए और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक आप कभी भी कॉल या मैसेज मुझे कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और कैश ऑन डिलीवरी भी ऑल इंडिया में अवेलेबल है। और ये जो डेमो दे रहा हूँ मैं, फुल डेलाइट के अंदर दे रहा हूँ आपको। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और स्क्रीन साइज़ 160 इंच का बना हुआ है, उस पर भी आप क्लियरिटी देख सकते हैं प्रोजेक्टर का।